आलिया भट्ट, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वॉचिंग। राजधानी दिल्ली में अक्सर आपने लोगों को बाइक से स्टंट करते हुए देखा होगा, लेकिन दिल्ली के एक युवक को बाइक से स्टंट करना जानलेवा साबित हो गया। अक्सर आपने राजधानी की सड़कों पर कई लोगों को बाइक से स्टंट करते हुए देखा होगा, लेकिन सोमवार रात को कुछ युवकों को नई बाइक से रेस लगाना जानलेवा साबित हो गया। दरअसल एक युवक सोमवार रात को कनॉट प्लेस से दोस्तों के साथ घर लौट रहा था, तभी उस युवक ने अचानक अपनी बेनेली TNT 600i बाइक की रेस बढ़ा दी और दोस्तों से रेस लगाने लगा। हादसा दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के पास का है, जब सोमवार रात लगभग 9:15 बजे घर लौटते वक्त तीनों आपस में रेस लगाने लगे। जैसे ही हिमांशु मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पार कर रहा था, तभी कुछ दूरी पर एक बुजुर्ग सड़क पार कर रहे थे, लेकिन बाइक की गति तेज होने के कारण वह बाइक पर नियंत्रण नहीं कर पाया, जिसमें हैंडल बुजुर्ग से जा टकराया, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया। बाइक लेडी इरविन कॉलेज की दीवार से जा टकराई और हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा देख राहगीरों ने हिमांशु को आनंद फानन में LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक हिमांशु बंसल विवेक विहार फेज 2 में परिवार के साथ रहता था और सोमवार शाम हिमांशु दोस्त गाजी और लक्ष्य के साथ अपनी बेनल्टी TNT 600i बाइक से कनॉट प्लेस गया था। रात को घर लौटते वक्त तीनों आपस में रेस लगाने लगे, जिसमें हिमांशु की जान चली गई। वहीं चश्मदीदों की माने तो घटना के दौरान हिमांशु की बाइक की रफ्तार लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में रही होगी। हादसे को देखते हुए आसपास के लोगों ने हिमांशु को आनंद फानन में LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने हिमांशु को मृत घोषित कर दिया। और ये पूरा वाक्या हिमांशु के दोस्त जो पीछे बाइक पे बैठे थे उनके हेलमेट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।